Assalamu alaikum dear students, I am here with your chemistry class. Let's start our topic today. Please open your book at page 66. Today's topic is dipole-dipole interactions. Before start our topic, I will explain something. Last chapter में हमने पढ़ा था electronegativity. तो electronegativity बुनियादी तौर पर shared pair of electron को अपनी तरफ attract करने की ability है. जिस तरह ये hydrogen molecule में hydrogen का atom left side वाला और हाइड्रोजन का एटम राइट साइड वाला अपने अपने आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि दोनों साइड पे सेम मॉलिक्यूल है, सॉरी सेम एटम है, इसलिए उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल नहीं है. इसलिए ये किसी भी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होता और दरमियान में मौजूद रहता है. जबकि दूसरी एग्जांपल नीचे देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान में भी यही बॉन्डिंग पाई जाती है जिसे हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं. इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन की निस्बत, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपना क्लोरीन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको अपनी तरफ खींच लेता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जबकि हाइड्रोजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है. तो इस अट्रैक्शन के नतीजे में इनके ऊपर बॉन्ड सॉरी क्या उसे कहते हैं पोलैरिटी अराइज हो जाती है जिसको हम पोल्स बोलते हैं. ये देखें ये पार्शियल नेगेटिव पोल है, ये पार्शियल पॉजिटिव पोल, और ये इंट्रैक्शन जो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाती है. आइए अब हम अपने आंसर की तरफ आते हैं. हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस विद एन एग्जांपल. द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मेक वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड द अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड. As shared pair of electron is drawn towards the more electronegative atom. अभी जो आपको बताया है कि जब unequal sharing हो जिस तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन की है तो ये जो shared pair of electron है ये ज़्यादा electronegative atom की तरफ चला जाता है. It is partially negatively charged as a chlorine in the hydrogen chloride. जिस तरह ये बताया अभी आपको हाइड्रोजन क्लोराइड में. The other end automatically become partial positively charged. When the partial positive charge when partial positive and partial negative charge exist in different positions in the molecules, the adjacent molecules are arranged themselves in such a way that the positive end of one molecule comes near to the negative end of the other molecule. ये देखें नीचे एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल ये है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल ये है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल ये है. अब ये तीन मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं आपस में इंट्रैक्शंस करते हैं तो इनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है ये वाली, जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं. कल हमने ये पढ़ा था इंटर यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है. ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इस इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटिवली लेस होती है, लेस स्ट्रांग होती है.
मैं वो भी आपको इस टॉपिक में बता देता हूँ। अब मैं इधर इसको कंप्लीट कर लूँ। जो बात मैं बताना चाह रहा था कि जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्शंस करते हैं तो हमेशा ये इस तरीके से खुद को अरेंज करते हैं कि एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस और दूसरी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आता है, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्जेस पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस के लिए अट्रैक्शंस रखता है। तो इसमें वो मॉलिक्यूल खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ही अपनी तरफ रखता है। ये दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस एज रिप्रेजेंटेड इन HCl। तो HCl में ये आपने एग्जांपल भी साथ इसकी डायग्राम भी बनानी है इसी तरीके से ग्राफ इसका। तो मैं बता रहा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस एनर्जी का कितना होता है। तो उसको मैं बताने के लिए आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन क्लोरीन और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है। अजीज तलबा, यहाँ पर ये वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसे हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, और ये वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन की सूरत में जो इनके अंदर डिफरेंस है, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े तो हमें 17 किलो जूल्स केजे 17 किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इंटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड को तोड़े 430 किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड से कितना स्ट्रांग है। अजीज तलबा, ये सवाल अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ जाता है, इसीलिए मैंने आज ये एक ही सवाल आपको करवाया है। आप उम्मीद है कि इसे कॉपी पर हल कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम।